दुर्भावना चलेगी। अभी रुक जाओ आरे मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश पे अब मोहन राज है, जी हां, और मोहन राज आते ही मोहन यादव जो फैसले ले रहे हैं उससे मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ मध्य प्रदेश का एक वर्ग विशेष है उसमें भी खौफ का माहौल और डर का माहौल आ गया है। जी हां, पहले ही दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई तो मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों पर बैन लगा दिया, खुले में बिकने वाले मटन के दुकानों पर बैन लगा दिया, खुले में जो अंडा और मटन बेचते थे उनकी रोजी रोटी पर एक तरह से प्रहार था कि भैया लाइसेंस लीजिए, खुले में मत बेचिए, खुले में मत काटिए। तो ये जब पाबंदियां मोहन यादव लगाने लगे तो उनके तेवर और उनके तलखी समझ में आ गई। अभी शपथ लिए हुए एक दिन भी नहीं बीता था कि मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक घर को आज बुलडोजर चलवा कर सीएम साहब ने गिरवा दिया। और ये घर किसका है? ये घर है फारूक राइम उर्फ बिन्नी साहब का। अब आप कहेंगे कि फारूक राइम कौन है? तो ये कोई संत आदमी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया उसकी सजा मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेते हुए ही दी। हालांकि इसकी आलोचना हो सकती है, इस पर विपक्षी विरोध कर सकते हैं कि सजा देने वाले आप कौन होते हैं, लेकिन इसका बचने का एक ही तरीका है कि ये इलीगल, जिसको कहा जाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था इसलिए हमने इसको गिरा दिया, और यही तर्क दिया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये फारूक राइम साहब कौन है, क्यों इनके घर को गिरा दिया गया, क्या इन्होंने किया था, सब आपको बताऊंगा। उससे पहले ये दो बयान सुनिए। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास पीछे करने का दुर्भावना चलेगी। अभी रुक जाओ आरे मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। तो सुना आपने, पहले है भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब, ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये दुर्भावना की वजह से सब कुछ कर रही है। उसके तुरंत बाद बयान आता है बीडी शर्मा साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनका लहजा आप देखिए और उनके एक्शंस पर आप गौर फरमाइए। कह रहे कि आरिफ मसूद साहब अभी आप रुक जाइए, आपकी सारी गुंडागर्दी को हम निकाल देंगे। और इस बयान देने के एक डेढ़ घंटे के बाद की ये तस्वीर है। अब आप कहेंगे कि राइम साहब कौन है? तो दरअसल मामला ये है कि राइम साहब जो है, राइन फारूक राइन साहब जो है, ये बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का इनके ऊपर आरोप है। जी हाँ, और मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही उनके कार्यकाल का ये पहला बुलडोजर का एक्शन है, और बीजेपी कार्यकर्ता जो थे देवेंद्र ठाकुर, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके हाथ काटने का आरोप इनके ऊपर है। और इसलिए शपथ लेते ही नए मुख्यमंत्री साहब ने वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, दो फैसले कर लिए और आज एक बुलडोजर एक्शन। पलंग रखा। आपको बता दी कि ये कार्रवाई जो आरोपी है उसके भोपाल 11 नंबर जो इलाका पड़ता है भोपाल में, उसकी जनता कॉलोनी में इनका घर था और उस घर पर ये कार्रवाई हुई है। जब बुलडोजर चल रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ भीड़ मौजूद है, लोग मौजूद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विरोध करने के बाद भी ये घर तो गिरना ही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि विरोध भी क्या करें, इसलिए लोग तमाशबीन होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। दरअसल आरोपी फारूक राइन पर बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर की हथेली काटने का आरोप है। और ये मध्य प्रदेश के जब चुनाव के नतीजे आए तो नतीजे आने के बाद की ये घटना बताई जा रही है। 5 दिसंबर को आरोपी फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें देवेंद्र ठाकुर की हथेली कट गई थी। देवेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। आपको बता दें कि आरोपी जो फारूक है वो हबीबगंज पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी शामिल है और उस पर पहले भी कई अपराध जो है वो दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में पहले ही पुलिस 5 आरोपियों को
पांच आरोपी है जिसमें फारूक राइन, असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर, इनको गिरफ्तार कर चुकी है। और गिरफ्तारी के बाद अब एमपी के जो नए सीएम हैं मोहन यादव, उन्होंने अपने कार्यकाल के दूसरे ही दिन ये एक्शन लेकर बता दिया है कि उनका भी कार्यकाल वैसा ही होने वाला है जिसमें गुंडों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं रहने वाली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, उसी तरह से मोहन यादव भी कुछ कुछ एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने लाउड स्पीकर, खुले में मटन बिक्री, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, और लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ हो, खुले में मांस बेचने पर पाबंदी हो, तो ये जो उनके एक्शन है ये बता रहे कि उनका कार्यकाल किस तरह का रहने वाला है। आपको बता दें कि उज्जैन महाकाल की नगरी से ये विधायक हैं और वहीं से आते हैं और संघ के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और पहले भी चुनाव के पहले के इनके आप बयान सुनेंगे तो शिवराज मामा तो थोड़े सौम्य थे, थोड़े मर्म स्पर्शी हृदय के थे, लेकिन ये बहुत कठोर दिल के हैं मोहन यादव साहब, और उनके एक्शन से भी अब आपको पता चल गया होगा। तो राज्य में जो भी अब गुंडे बदमाश मवाली है और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको थोड़ा नए मुख्यमंत्री से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मामा तो जल्दी पिघल जाते थे, ये पिघलने वाले नहीं, ये पिघलाने वाले सीएम हैं, और इन्होंने अपने एक्शन से बताना शुरू भी कर दिया है। और बीडी शर्मा साहब ने तो अपने तल्ख लहजे में बता भी दिया है कि अब सारी गुंडागर्दी जो है वो निकलने वाली। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सीएम का ये पहला एक्शन है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सीएम साहब ये ठीक कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्या ऐसे ही होना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।